सत श्री अकाल सारिआं नूं, मेरा नाम अमृतपाल सिंह, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं अज दे व्लॉग च गल करांगा अपनी पार्ट टाइम जॉब दे बारे, किवें मैं कैनेडा च सरवाइव करदा आं अपनी एक्स्ट्रा इनकम दे नाल। ते नाइट दे विच मैं सिक्योरिटी दी शिफ्ट करदा आं, एंड डे दे विच मैं अपनी स्लीपिंग आवर्स कंप्लीट करन तो बाद मेरा मंडे टू फ्राइडे दे शेड्यूल च अगर मैनूं टाइम लगदा है ते मैं अपना पार्ट टाइम जॉब करदा आं। एंड तुहानू इस ब्लॉग च मैं सारा कुछ दसूंगा कि मैनू इस इहदे च सेव किन्ना होएगा, मेरा फ्यूल दा एक्सपेंस किन्ना होएगा, एंड बाकी तुसी ब्लॉग नू इंजॉय करो। मैं आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं तुहानू सोहणे तों सोहणा व्यू दिखा सकां, एंड इहनू जिन्ना ज़्यादा हो सके उन्ना इनफॉर्मेटिव बना सकां ब्लॉग नू। सो आपां इत्थों निकल चुके हैं हैमिल्टन तों ब्रैम्पटन लई। नॉर्मली मेरा पार्ट टाइम जो जॉब आ, मैं ये मार्केट प्लेस से ऐड पाई हुई है क्योंकि मेरे को एक वैन है तो काफ़ी स्पेस आ, तो जिदा मूविंग दे लई कई बार यू हॉल अवेलेबल नहीं होंगे सिटीज, तो लोगों को प्रॉब्लम होंगी है यू हॉल वगैरह बुक करन च, ते थोड़ा बहुत अगर उन्होंने समान लाइक वन बैडरूम अपार्टमेंट कोई रह रहा उन्होंने समान थोड़ा बहुत ही है तो वो फिट आ जाता है, तो मैं वह करना आ पार्ट टाइम मूविंग लई। तो अज का जोड़ा यह मेरा ब्लॉग आ, इस ट्रिप मैं ब्रैम्पटन तो एक पिकअप करनी आ, सॉरी मिसिसागा तो, ते मिसिसागा तो पिकअप करके मैनू वापिस हैमिल्टन च ड्रॉप करना आ। इस पिकअप मैं जड़िया वाइनल दियाँ वुडन फ्लोर शीट्स होंदिया ने वह पिक करनिया ने मिसिसागा, एंड उन्हों मैं हैमिल्टन च ड्रॉप करना आ। अज का मौसम भी थोड़ा साफ सी एंड थोड़ा क्लाउडी सी, मैं सोचा नाल नाल मैं एक व्लॉग भी शूट करना है क्योंकि मैं ऑलरेडी एक चैनल यूट्यूब पे अपना शुरू किया है वाइब्स ऑफ हैमिल्टन। सो मैं सोचा आज एज अपॉर्चुनिटी लैके इनू एक व्लॉग ही शूट किया जाए, तो ये मैं थोनू यह मेरी पार्ट टाइम जॉब आ जो कि मैं अपनी फुल टाइम जॉब के नाल नाल करदा हाँ, तो मैं फुल टाइम सिक्योरिटी की जॉब करदा हाँ, एंड राइट नाउ मैं पी आर दी जॉब लई कोई स्किल ट्रेड जॉब लभ रहे हैं, लाइक कोई पेंटर हो गया या कोई वेल्डर टाइप यू नो, सो ताकि मैं पी आर अप्लाई कर सकाँ। राइट नाउ मैं वर्क परमिट ते हाँ, मैनू वर्क परमिट मिले नू ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हो चुके ने, एंड मैं पी आर दी जॉब भी लभ रहा, बट नाल नाल यू नो कैनेडा दे एक्सपेंसिस काफ़ी वध चुके ने अज दे टाइम ते नॉर्मल परसन लई, ते सैकेंड जॉब भी करनी जरूरी आ। तो जेड़ा मैं ये मूविंग लई पार्ट टाइम जॉब सोची आ, एक तो ये काफ़ी हेल्प हो जाती है लोगों की क्योंकि अज के टाइम तो यू होल दियाँ काफ़ी रिक्वायरमेंट्स आ। फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो जी लाइसेंस ही आ कि जी लाइसेंस होएगा तो ही वो देंगे आ। सो जी लाइसेंस स्टूडेंट लई आंदे सार लैना बहुत औखा आ, तो उन्होंने भी हेल्प हो जाती आ। हजे ज़्यादा रीच नहीं हुई है, थोड़ा बहुत कभी हफ्ते जहाँ लाइक एक या दो इदा मैनू रिक्वेस्ट आ जाए ने मूविंग दे लई। सो या ए नाल दी नाल ए करदा हाँ मैं, एंड कई बार फ्राइडे नू या सैटरडे नू जे टाइम लग जाए तो मैं नाइट नू ऊबर या स्किप कर लैंदा, तो ये नाल या मेरा सारा खर्चा जो है बैलेंस हो जाता है। जिदा एवली रोड आ, ये डोटेड लाइनस वाली रोड सिर्फ ओल द ट्रैफिक लई आ जिहड़े भी जा रहे हैं, बट हुणे एक अगे जाके एक लाइन मर्ज होनी आ, एक लेन आ सिर्फ, उहदे विच सिर्फ वह बंदे जा सकते हैं जे गड्डी च दो या दो तो ज़्यादा बंदे ने, एंड सिर्फ कार वाले लाइक ट्रक्स, एंड जे किसी कार च ओनली वन पसेंजर है वो इस लेन च नहीं आ सकता। इहदा रीज़न मैं तुहानू दसदा हाँ, जिदा असी दो जने सी ते आपां हुण ए लेन एवली लेन लै सकते हैं, असी इस लेन च पूरी एंटर करना आ, बट जिहड़े जिवें दूसरी साइड ने या ते ट्रक होणगे या कोई वैन होगी वड्डी वैन, या जिहड़े पसेंजर ओनली वन पसेंजर होएगा वो जाणगे उधर, बट इस साइड
मैं ये मूविंग क्यों चूज़ किया उबर दे उबर करन दे बजाए या स्किप करन दे बजाए, क्योंकि अजकल अज दे टाइम ते रिसेशन रेट इन्ना वध चुकिया है कि उबर एंड स्किप ते भी लोगों नू ऑर्डर ही नहीं आते, किन्ना किन्ना टाइम लोगों नू वेट करना पैंदा है। जे ऑर्डर आ भी रहे ने ते $3 दा $4 दा एंड वो भी इन्नी इन्नी दूर ड्रॉप ऑफ आ पिकअप है। सो आई डोंट थिंक सो उहदे च टाइम या टाइम वेस्ट करना वर्दिट आ। सो मैं मूविंग वाला किदा आ कि दिन च तुहानू जे रिक्वेस्ट आ गई ते मोस्टली 3 या 4 घंटे का काम आ, बाकी टाइम तुसी ज़्यादा कुछ करना नहीं। तो एक जगह तो पिक किया, मोस्टली ड्रॉप ऑफ 10 या 15 मिनट की ड्राइव तो होंगी आ, तो आराम नाल तुसी उन्हों पिक करके ड्रॉप कर सकते हो, तो ना तो उन्हों किसी भी ऑर्डर आन की वेट करनी। तो अज के व्लॉग च यह मेरा थोड़ा जहा लंबा ट्रिप इसलिए हो गया क्योंकि मैं दूसरी सिटी जा रहा। सो ये मैनू उन्होंने फ्यूल के भी एक्सट्रा पे किए आ। सो इस ट्रिप लई टोटल मैनू उन्होंने पहला $180 बोले सी, ते अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट डे जिस दिन मैं व्लॉग बनाना शुरू किया सी उस दिन जदों असी पिकअप लोकेशन ते पहुँचे ते वो 4:30 क्लोज हो चुकिया सी एंड मैं 5 बजे उत्थे पहुँचया सी। सो इस करके मैनू वापिस आना पिया एंड उन्होंने बोलता कि मैं नैक्सट डे तुसी दोबारा तो पिकअप कर लियो एंड ड्रॉप कर दियो एंड देल गिव मी लाइक $100 एक्स्ट्रा। सो that made $280 total and next day मैं अपने friend नू भी नाल लै गया सी ते जिदे नाल मेरी help हो गई बहुत ज़्यादा drop off दे time ते। तुसी अगे तुहानू दिखाऊंगा मैं pickup कित्थों कीती, pickup दे time ते मेरी help हो गई सी क्योंकि उन्होंने forklift दे नाल उन्होंने workers ने भी उहदे च load करता सी, but drop off दे time ते काफ़ी हैवी सी ते हो सानू दोवां नू उतारना पिया सी, काफ़ी औखा सी उतारना, बट या यू नो इत्थे हार्ड वर्क ते करना ही पैना। वैसे भी अज दे टाइम ते जॉब्स काफ़ी कट चुकिया ने ते पार्ट टाइम ते छड्डो फुल टाइम नहीं मिल रही लोगों नू। सो जिवें दा काम कर लईदा आ शुरू किया कुछ ना कुछ, अज घट काम आ कल नू वधेगा ही ओबवियसली। सो ए डे वन दी ही वीडियोज़ ने जदों मैं फर्स्ट डे जो ट्रैवल कर रहा। 3 साल हो गए मैनू कैनेडा आए नू, ए कंस्ट्रक्शन 3 साल हो गए खत्म ही नहीं हुई है, पता ही नहीं की चक्कर है। वही खोदी जाएंगे वही दोबारा भरी जाएंगे। सो काफ़ी ट्रैफिक सी फर्स्ट डे एंड सैकेंड डे भी सेम ही सी, कोई चेंज नहीं सीगा क्योंकि इत्थे कंस्ट्रक्शन काफ़ी टाइम हो गया चल रही है ते इत्थे आके हमेशा ट्रैफिक मिलता ही मिलता जदों भी असी ब्रैम्पटन या टोरंटो या किधरे भी मिसिसागा साइड आईदा। इस वीडियो च मैं जिहड़ी ट्रैफिक वाली वीडियोज़ ने इन्हां नूं थोड़ा जिहा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। या इत्थे असी मिसिसागा पहुँच चुके हाँ, हाल तां सिटी दे अंदर आके भी सेम ही आ। हुण आपां इत्थों दी पिक करके हैमिल्टन वापस जावांगे, फिर आपां ड्रॉप करना आ, ड्रॉप करके मेरी रात नूं शिफ्ट आ, फिर उत्थे मैं शिफ्ट ते चला जाऊंगा। ये मैं वॉइस ओवर थोड़ा बहुत वीडियोज़ विच बाद च भी दे रहा, सो आई होप तुसी कन्फ्यूज़ नहीं होवोंगे। एंड ऑलमोस्ट असी पिकअप लोकेशन ते पहुँच गए हाँ। हुण यह वाइट टी शर्ट एंड ब्लू टी शर्ट वाले इन्हां दे ही वेयर हाउस वाले वर्कर ने, वैन च लोड ते सारा कुछ इन्होंने करता सी, उदों ते साडी हैल्प दी लोड नहीं पई, थोड़ा बहुत बस फ्री खड़े सी ते 2-3 बॉक्सिस असी खुद तुरवाते उन्हां दे नाल ताकि छेती छेती पिक करिए ते आपां पहुँच सकीए। ते आपां निकल चुके हैं ब्रैम्पटन तों हुण हैमिल्टन दे लई। हुण मैनू इत्थे ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लग गया सी हैमिल्टन तों मिसिसागा आन च ते वापिस भी जाण च 1.5 घंटा लगना आ। एंड ए मेरा टोटल फ्यूल एक्सपेंस सीगा जड़ा ओ सी ऑलमोस्ट $120 बिकॉज टोटल डे वन द एंड डे टू का $120 मेरा फ्यूल एक्सपेंस सी क्योंकि मैनू डे वन नू वापिस जाना पिया, इस करके मैनू डबल फ्यूल एक्सपेंस पै गया सी ते ओदा उन्होंने मैनू $100 एक्सट्रा पे करता। तो नैक्सट डे मेरा फ्रेंड मेरे नाल उदा घर मैनू मिलन आया होया सी, वो फ्री सी ते मैं उन्हूं नाल लै गया ते मैनू $280 टोटल मिले ते मैं $100 उन्हूं देते क्योंकि उन्हें काफ़ी मेरी हैल्प की सी सारा अनलोड करन च।
ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਡਰੋਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਡਰੋਪ ਆਫ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨੂੰ ਵੈਨ ਨੂੰ ਅਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਪੀਸ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਟ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਪੀਸ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਬਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟ ਨੇ ਬਟ ਹੈਵੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਪੀਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਆਵਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਂਡ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਵਿਊ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਯੈਸ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਵਲੋਗ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ। ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ, ਦੈਟਸ ਵਾਈਬਸ ਆਫ ਹੈਮਿਲਟਨ। Also, please leave some reviews in the comment section and also tell me the topics on which I should make vlogs for you guys. I'll try ki main Punjabi ch vi vlog bana sakaan and main Hindi ch vi vlog bana sakda ha je tusi chaho, kyunki main Haryana to belong karda to main Hindi mein bhi vlog bana sakta hu and mere ko bahut acche se Hindi aati hai kyunki main apne doston ke sath mostly Hindi mein hi baat karta tha बचपन से लेके 12th तक स्कूल में। तो या दैट वाज माय टुडेज व्लॉग, आई होप यू गाइस लाइक्ड इट।